सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कंप्लीट सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक। तो मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, राइट। डेक ऑफ कार्ड को इस तरीके से मैं निकाल के मैं दिखा दूं कि सारे के सारे कार्ड्स रैंडम हैं, मिक्स्ड हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों मैं एक यहाँ कट कर दूंगा ताकि सारे के सारे कार्ड्स जो हैं कट हो जाएं, ठीक है। एक और कट्स इस तरीके से। तो कट कर लेने के बाद दोस्तों इसमें दो फाइल में कार्ड को डिवाइड करेंगे और ऑडियंस के सामने वाली फाइल को हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। और इस तरीके से जब तक कि हमारे कार्ड्स ना बच जाएं तब तक ये करते रहना है। तो इस तरीके से फटाफट हम फाइल को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो इसमें हमारे 26 कार्ड आने वाले हैं, ओके। तो इस 26 कार्ड को उठाते हैं यहाँ और यहाँ रखते हैं सामने। आप देख सकते हो यहाँ सामने रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी इसकी लास्ट में। फिर इसे दो पाइल में इस तरीके से डिवाइड करेंगे, राइट, ओके। तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद ये कार्ड्स को, ऑडियंस के सामने वाली कार्ड्स को हटा के यहाँ रखेंगे। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड है इसको भी फिर दो पाइल में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। फिर ये ऑडियंस के सामने वाली कार्ड को यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ हमारे पास जो कार्ड है इसे हम लोग एलिमिनेट कर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास तीन कार्ड लास्ट में बचता है, ठीक है। तो तीनों कार्ड हम लोग देखते हैं क्या है। एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ स्पेड, और यहाँ जो कार्ड है ये भी है हमारा एस ऑफ हार्ट्स। सो दोस्तों चलिए ट्रिक को सीखते हैं कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड ट्रिक करना काफ़ी सिंपल है, थोड़ी सी सेटिंग करने की ज़रूरत होगी और ये कंप्लीट सेल्फ वर्किंग कार्ड ट्रिक है। वीडियो पर बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप डेक लेंगे और उसमें से 52 कार्ड ही रखेंगे, मतलब जोकर जो होगा उसको हटा देंगे। चार एसेस को निकालेंगे इस तरीके से, राइट। और टॉप से हमारे छठे पोजीशन पर एक एस को डालेंगे। तो जैसे कि 3 4 5 छठे पोजीशन पर एक कार्ड को हमने डाल दिया, मतलब एस को डाल दिया, ठीक है, छठे पोजीशन पर। फिर छठा हो गया 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14वें पोजीशन पे एक और कार्ड को हम डालेंगे। उसके बाद 22वें पोजीशन पे हम एक और कार्ड को डालेंगे, 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22, राइट। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 38 पोजीशन पे भी एक और कार्ड को डालेंगे। तो चार एस को लेंगे, टॉप से पहले छठे पोजीशन पे एक इक्के को डालेंगे, उसके बाद 14वें पोजीशन पे एक इक्के को, उसके बाद 22वें पोजीशन पे एक इक्के को, उसके बाद 38वें पोजीशन पे एक इक्के को डालेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इस तरीके से डील करेंगे। सामने ऑडियंस वाली कार्ड होगी तो जो ऑडियंस के सामने वाली कार्ड होगी उसको एलिमिनेट करना है, अपने हेड की जो कार्ड होगी उसको रख लेना है और सारा का सारा ट्रिक खुद ब खुद होता चला जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप बांट लीजिए ताकि जो हमारे 26 कार्ड हैं पहले आएँ, उसके बाद फिर 26 कार्ड में हाफ हाफ जो कार्ड्स हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से पहला हमारा 26 कार्ड यहाँ, ठीक है, ये हमारे 26 कार्ड्स हैं। तो इसको हम लोग फिर बांटेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें 13 13 आने वाले हैं कार्ड। उसके बाद फिर एक बार उसको डिवाइड करना होगा जब तक कि आपके पास तीन कार्ड ना बचे। ये 13 13 कार्ड हो गया। फिर इसको हम लोग वापस से यहाँ रखेंगे। इस 13 कार्ड में फिर हमारे 6 और 7 का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब 6 कार्ड और 7 कार्ड हमारा डिवाइड होगा इस तरीके से। तो जो 7 कार्ड हमारा डिवाइड होगा यहाँ जाएगा, 6 कार्ड हमारे हाथ में है। तो इसको इस बार फिर इस तरीके से हम लोग बांटेंगे, ठीक है, और ये 3 कार्ड हमारा यहाँ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 कार्ड हैं, इक्का इक्का और इक्का जो टॉप पे आएगा वो भी इक्का। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।